प्रशासन में भी प्रशासन सबके लिए एक होता है, कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, तो ऐसा कोई पैसे वाले कोई ऐसा नहीं है। पैसे वाले की जिंदगी है, गरीब की कोई जिंदगी है। तो इसके चाहिए प्रधानमंत्री हमें खुद मार देता। हमें कल हमारी भी पिटाई करवाई उन्होंने पुलिस वालों से। हम तो बड़े हम लड़की है तो लड़कियां खड़ी नहीं होंगी जब लड़के तो हमारे बच्चे नहीं है तो हम नहीं खड़े होंगे। हमारी लड़कियां नहीं खड़ी होंगी तो हम और कौन खड़ा होगा हमारी वजह में, हमारे आदमी के साथ में। फसल आपकी पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम क्या करेंगे बताइए। कल हमारे पापा कल खेत में काम कर रहे थे तो तभी मतलब सरकारी अधिकारी आए और यहाँ पर आकर लूटपाट करने लगे और जो हमारी मतलब फसलें खड़ी थी सब उनको मतलब नष्ट कर डाला यहाँ पर। और हमारी जो प्याज खड़ी थी उनमें भी मतलब सब खराब कर दिए, पेड़ वगैरह सब कटवा दिए। और जो साधुराम कन्नू को है ना जो, तो उन्होंने ये कहा कि हमसे, हमने उन्हें जो स्टे का वो दिखाया कि हमारे पास स्टे का ऑर्डर है, कहा कि ये हमारे मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, यहाँ का सब मालिक मैं ही हूँ। 5 लाख से भी ऊपर का नुकसान हो गया है यहाँ पर। अब जो तुम्हें फैसला मिला क्या करेंगे आप? और बस हम जहर खाएंगे, मरेंगे और पलायन करेंगे बस, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हम 5 लड़की अपने पापा के, यहाँ पर लड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पर बस। छोटा सा परिवार है, किसान परिवार है, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, ठीक है। और कल अचानक कुछ लोगों ने आकर के मतलब प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर के अचानक बिना सूचना के यहाँ मौके पर हमारे खेत का सब तहस नहस कर दिया, हमारी सब फसल बर्बाद कर दी, बहुत नुकसान पहुँचा दिया गया है। और मतलब अगर हमने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या मामला है, कैसे है हमारा, उसमें कुछ कोर्ट के अंदर भी विवाद चल रहा है तो स्टे वगैरह है, हमने उन्हें दिखाया तो वो लोग रुके नहीं और हम लोगों की बल्कि पिटाई भी कराई उन प्रशासनिक अधिकारियों ने। और बल्कि जो पुलिस प्रशासन था वो हमारे साथ था, ताकि उनको कहीं ना कहीं पता था पैसे के ज़रिए जो मतलब ये काम किया गया है, हमारी जो फसल बर्बाद कराई गई है हमारे पड़ोसी के द्वारा। तो पुलिस प्रशासन तो कहीं ना कहीं हमारे साथ था, वो बोल रहे थे कि भाई पहले भी चल चुका है और वो फाइनल हो चुका था और पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की है। और उसके बाद अभी फिर दोबारा हमने, अभी भी स्टे है हमारा, हमने सब कुछ प्रूफ दिखाया है उनको, लेकिन वो हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है सर। यही होती है, देखो हम अपना ये गाँव छोड़ देंगे, ठीक है, अपना जो भी अपना ज़मीन है। अभी हमारी स्थिति ऐसी बनी है, बताओ, हम जहर खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। हमारा परिवार जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इन लोगों से और ऊपर तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारी जो फसल बर्बाद हुई है, लगभग 5-5.5 लाख का नुकसान कर दिया है इन लोगों ने, कितने पेड़ हमारे काट दिए हैं। तब फसल तैयार थी हमारी, 10 दिन में हम काटने वाले थे इसको, और इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया है।